समझेगा आप हायर पोजीशन पे, अगर आप इजाजत देगी तो ही शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे। सिर्फ पूछना ये कि क्या आप एक ग्लास जूस ही पी इन चीजों पे, इन टर्म्स पे इनको इजाजत देने को तैयार है? ठीक है, इन शर्तों पे इजाजत दे सकती हूँ, जिक्र दे सकती हूँ। देखिए, जुल्म नहीं होगा ना उस पे हो ना आप पर हो, ठीक है? और आप ये कमिट करते हैं, अहद करते हैं हमारे सामने आज बैठे इस प्रोग्राम का हवाले से, नहीं आया अभी तक आप बीबी जी आ रहे होंगे, रस्ते में होंगे ना, कब आएगा जब मैं मर जाऊंगी? अल्लाह ना करे बीबी जी, दे सकता हूं सूप लाऊंगा आपके लिए, अगर देता हूं वो ना इंसाफ। मैं कह रही हूं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, चलो वो तो मुझे शेयर देंगे, जल्दी चाहती हूं बाद में उनका शेयर आपको देंगे, बट खामोश रहो, आपसे एक बात, मेरे अंदर आग लगी है, अगर आप राजी भी हो पानी लाऊं आपके लिए, पानी में राजी हो गई हूं, पानी लेके कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सब कुछ कर लो, मैं एक्सेप्ट पहले मंसूर को बुलाओ, मंसूर को बुलाओ, कॉन्सिक्वेंसेस आपको एक्सेप्ट करने होंगे, वो आपके घर में आके रहेगी पहली बात, दूसरी बात ये कि आपकी ये रवैया नहीं रखना जो इस वक्त आपका रवैया है बीबी जी, ठीक है ना? साहब जी का फोन तो बंद जा रहा है, क्यों बंद जा रहा है? वो आके बैठी हुई है, देखिए वो क्या पता उसकी जिंदगी क्यों नहीं पता तुम्हें, आपकी है जवाब से डराई नहीं करे, ठीक है? हमने तो आपसे एक सवाल परे करो फोन, मैंने तुमसे पानी मांगा तो जा पानी लेकर आओ, अगर वो चाहे तो वैसे भी जाके शादी कर सकता है, ये सब चीजें मिल जाती है तो आप राजी हैं, अगर राजी हैं तो हंसी खुशी राजी हो एंड एक्सेप्ट करें इस फैक्ट को कि एक नई औरत आके आपके और देखें एक चीज और याद रखिए, आप आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है, आप 15 साल से नौमान में इस वक्त बात नहीं कर सकती, इनके घर वाले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपका लगाव होगा ना, मैंने कहा ना मैं बात नहीं कर सकती तो मैं बात नहीं कर सकती, शट अप। अब बात तो हो चुकी है, डॉक्टर मोइज ने भी आपको बता दिया क्या करना है, जहाँ तक काशिफ साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसे जो भी आपने इस वक्त वादे किए हैं इस वक्त अपनी वाइफ से आपने कि आप इनको खत्म क्यों हो गया पानी, आप इनको बराबर का टाइम देंगे, पी लिया है ना आपने तो और लेकर आओ माशरे में इनको अच्छा। बराबर की इज्जत मिले जो आपकी दूसरी वाइफ को मिली माँ बनने के बाद भी, और एक और चीज जो बच्चा इन्होंने अपनी बहन से कोई वादा करके अडॉप्ट किया है, आई डोंट नो सर क्या वादे होंगे बट नेचुरली कोई ना कोई तो वादा हुआ होगा, उन वादों को आप पूरी तरह फुलफिल करेंगे, उस बच्चे को हाई राइट देंगे जो आप अपने, अगर आप ये वादा करते हैं आंटी जल्दी से एक गिलास पानी ले आए, शर्म करो, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, पानी की पड़ी हुई डोंट गो एनीवेयर, बेटी को गोली खिलानी है इसीलिए पानी का गिलास मंगवा रहा हूं, प्लीज जल्दी से ले आना, हेल्पलाइन है अगर आप चाहें डॉक्टर मोइस से मिलना, कोई चीज डिस्कस करना, यहां यहां पर पार्टिसिपेट करना, अपनी कोई प्रॉब्लम को शेयर करना, सो जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 0345 822111 एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू, कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो जाओगी, मैं कहां हूं मेरी जान, तुम अपने घर में हो, चिंता ना, मैं मंसूर तुम्हारा शौहर, आप कोई दा बच के दिखाए, मैं ब्राइट से आप कोई दा बच के दिखाए, जी हाँ अब तो सभी गवाही देंगे कि 49 पैसे 30 सेकंड की इंतहाई सस्ते रेट पर कॉल सिर्फ यू फोन से होती है, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर 24 घंटे रोजाना और बगैर डेली चार्जेस के, ऑफर हासिल करने के लिए अभी स्टाफ ऑनलाइन हैश डायल करें, यानी 30 सेकंड का इतना सस्ता कॉल रेट कोई अपने नेटवर्क के लिए भी नहीं देता, साबुन और खुले तेल पाउडर में बोनस वाली बात कहाँ, अपनाए बात सहूलत और खुशबूदार बोनस ट्राई स्टार, मेरा मतलब है कैसी बातें कर रही हो, आज तो खुशबू ही अलग है खाने की, तेरी जान खामोश रहो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बात है बोनस की, बोनस ट्राई स्टार क्योंकि ये इज्जत का सवाल है, मैं जिस दिन मरूं जिससे शादी करूं, थैंक यू डार्लिंग, नहीं 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 मेरा मतलब है कि वेलकम बैक नाजरीन 0345 822111 कुंडली हेल्पलाइन, अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने, ठीक कराने जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर मोइस से कंसल्टेशन या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, जानू थोड़ी देर की तो बात है, देखो ना रात हो जाएगी और वर्कशॉप बंद हो जाएगी तो मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूं, अच्छा ठीक है, जानते हैं कि इनका बेटा सोनिया को इतनी खराब हालत में छोड़कर क्यों जा रहे हो तुम, फिक्र ना करें मैंने इसे मेडिसिन दे दी है थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी, फिर भी बेटा वर्थ करता है कि इनका मसाज आ रहा है ना, बहुत जरूरी है घर में कोई तो मर्द है आपके घर का भी, आप फिक्र ना करें गाड़ी का गियर बॉक्स ठीक करवा के मैं अभी आता हूं, मेरा फोन ऑन है, आप जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर दीजिए, अच्छा ठीक है, 4 साल पहले शादी करी थी माशाल्लाह, मेरा फोन ऑन है आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मतलब अभी जो घर आके बैठी हैं आपको पता है बेटियां तो कर लीजिएगा, घर में नहीं अच्छी लगती है, अभी आता हूँ, भाई क्या जरूरत है इसको इस वक्त जाने की, दूसरी शादी हो जाए जरूरत है ना उनको, काम कोशिश यही है कि अच्छे घर में अभी जाए, वो भी अच्छे घर देखे दिया होगा बड़ी के पास, मिलने वालों ने करवाई थी छानबीन की ज्यादा नहीं करी इस टाइम पर, लेकिन ये था कि उस वक्त अच्छे समझ में लगे, अब उन पे जो है ना ये शक बहुत कर, नूरी ये मंसूर अभी तक क्यों नहीं आया,
इनको क्या पता, एक घंटा हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे डार्लिंग मैं आ गया, इतनी देर अगर मुझे कुछ हो जाता तो साथ रह नहीं सकते थे। और ये तुमने फोन क्यों बंद किया हुआ था? वाह 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 डार्लिंग, हां वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। गोली मारो बैटरी को, मेरी मेडिसिन लाए। हां वो मेडिसिन लाए, ये देखो नूरी नूरी जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। पानी मैं पहले ही 6 गिलास पी चुकी हूँ, मेरे सर में आग जल रही है, पानी रहने दो। अरे बेगम वो मेडिसिन के लिए पानी मंगवा रहा हूँ ना, पानी के बगैर तुम गोली कैसे खाओगी? तुम अभी ठीक हो जाओ, अभी मुस्कुराना शुरू कर दोगी। जब पहले एक एक्सपीरियंस मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त था, इतना धोखा मिला है। मेरा मतलब ऐसी बातें ना करो ना बेगम। मंसूर तुम मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम मेरी मौत के बाद होता है शादी नहीं करो। तो आप पहले उसकी छानबीन करो। तौबा करो तौबा, कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मंसूर, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी अगर अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा है। देखा नूरी, मुझे वक्त नहीं देता है ना, अच्छे तरीके से जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब कैसा फील कर रही हो? यहाँ पे बात हम ये नहीं कर रहे कि आपकी पिछली जिंदगी में क्या हो, हम बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल ये कि आपकी वालदा ये चाहती है कि आप शादी दूसरी करें और अपने घर को बस जाएं। हाँ फाइल मुकम्मल हो गई, इनकार कर जी सर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको एक प्रीवियस बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, शादी में आपको बहुत तकलीफ से गुजरी है, तेरे से तो बात करना ही है। आप दूसरा रिस्क लेने से डरती है, वो कहता है ना सांप का काटा रस्सी से भी डरता है, आपका कुछ ये हाल है। मतलब मैंने आपको एक चीज, आप अपनी पुरानी